सागर बीएमसी में सफाई कर्मचारी की मदद के लिए चंदा करने के लिए निकले साथी कर्मचारी। 10 साल से बीएमसी में सफाई कर्मी के रूप में पदस्थ संदीप वाल्मीकि की तबीयत गंभीर रूप से खराब है। इसके इलाज के लिए सफाई कर्मियों ने अधिकारियों से मदद मांगी तो स्पष्ट मना कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है, हम तो कोर्ट से निपट लेंगे, हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, उसे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। जबकि संदीप की हालत बहुत नाजुक है एवं उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्राइवेट में इलाज करा सके। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। भागीदारी जिम्मेदार उठा सके तो वो आगे आकर यहाँ से हमारे गरीब परिवार संदीप वाल्मीकि को मदद पहुंचा सकता है। इतना हमारा अनुरोध है, निवेदन है सभी से। मेरा तो सभी जनप्रतिनिधियों से एक ही अनुरोध है और उनसे निरंतर प्रार्थना करते हैं हम सभी कर्मचारी के, जो भी मदद उसके लिए आप लोग मदद दे सकते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं के उसकी मदद करें, जिससे वो अच्छा हो सके। क्योंकि उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं और उसके घर की स्थिति इतनी नहीं है अच्छी कि वो दो वक्त की रोटी भी खिला सके। वो ही घर में कमाने वाला था, लेकिन इस तरीके का रवैया प्रशासन का बहुत गलत हुआ है उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधिकारी हैं, उन्हें भी कोई ऐसा अपनी जवाबदार नहीं समझा जो उस बच्ची को हम देख सकें, उसके इलाज हेतु कुछ अपने, जबकि लाखों रुपया उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन उन्होंने एक पैसे की भी मदद की घोटना आके उसे कहा ना, उसे सांत्वना जताई। इसलिए हमने दुखी होकर, हम सभी गरीब परिवार से हैं, यहाँ सफाई करते हैं और इतने कम वेतन में भी हम लोग कोरोना काल में अपनी जी जान लगा कर सफाई करते रहे। और आज ऐसी स्थिति है कि जब हम लोगों की सुनवाई इस बीएमसी में और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऐसी स्थिति में नहीं हो रही तो कब सुनेंगे हम अधिकारी, कब हमारों के साथ खड़े होंगे किसी तो बड़े अधिकारी, कलेक्टर महोदय, डीन साहब, इनकी चीजें कोई बात इन नहीं, तक नहीं, बात किसी तक बात शायद हमें लगता है उन तक बात नहीं पहुंची है। नहीं, मीडिया में है, आज के अखबार में बड़े पन्नों में छपा है, कल इसी चैनल के माध्यम से पूरा लाइव पूरे न जाने 10,000 लोगों ने इस चीज को देखा है, लेकिन अभी तक कोई किसी की न जन भागीदारी की, न कोई ऐसी प्रशासनिक अधिकारी की, न जो हमारे आगे आए, न किसी ने मदद अभी की। वर्तमान में आपका दोस्त कहां पर है, उसे किस तरीके से क्या स्थिति है? उसकी गंभीर स्थिति थी इसलिए उसे बाहर रेफर कर दिया गया है और हम सभी एकत्रित होकर साथी कर्मचारी ये सहायते हैं तो उसका अच्छे से बाहर भी इलाज हो, इस कारण से ये सहायता राशि की प्रदान के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम ये चाहते हैं जो भी जिम्मेदार हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।